सब भाई बहनों के पला खूब भला रहा, जी रहा, जाग रहा। भाई बहनियों, आज मैं तुम के जो अपन अगले वीडियो में इंदर सिंह बरगली गलनी कुमाऊनी टीवी बटी बतवन सनासों की हमारे पहाड़ों बटी प्लान कठिन रुकी जाओ वहीं काम करके और कम पैसा में ज्यादा पैसे तुम कठिन कमा सकता। तो वही बारे में तुमको मैं बताऊँ यह हमारे वीडियो से। आज मैं तुमको बताना चाहूँ अनानास, अनानास कठिन हुआ। तो अनानास हम कठिन उगा सकना कम पैसा में। तो यो से अनानास बाजार बटे हमूल्य खरीदा, तो अनानास बिल्कुल तैयार से खाना हन। तो अब हम करूँ कि अनानास यही अनानास बटे हम यह के जो खाने वाला पार्ट से खा ले और जो पार्ट से तो यो जो पार्ट से यो हरियो पार्ट यो जो है बिल्कुल हरियो होने चाहिए और ये के हमूल यो हमारे कामक से। तो हम क्या करूँ लेके सबको है पहली लेकिन हम इसी काट दे उन जमबटी एक एमबटी जमबटी जो से है काम और नशे हो ठीक है ना। एमबटी हम एक इसी काट दे उन यो हम उन इसी काट दे। और अब हम एक क्या करूँ यार जो से करीब 3-4 सेंटीमीटर जने ने यह इनो पे निकाल दे। 5 सेंटीमीटर ले लिया तुम, 5 सेंटीमीटर जने एक निकाल लिया यो। मेन सब पातों को निकाल लो हम यो। यार देखो करीब करीब यो 5 सेंटीमीटर यो निकलेगा देखा यार ठीक है ना। तो ये तो तुम बोले निकाल दें बे और ये मैं निकाल वेर यक कोई ले गिलास अब जमे की आर पार दिखेल इसमें पानी ले लें। पानी नॉर्मल पानी हमारे नाव में जो पैन हो घरों में जो पैन हो वह पैन लें से। और ये में यो जो यो पार हिस्स से यो पूरी यो हिस्स जब हम बोले जैग में पार निकाल दी यो ये में डूब जान चाहे यो इसी ठीक से ना। अब एक की करण से यह कहें जो से जहाँ ज़्यादा धूप लेने लगो और जहाँ हावले हुए और बहुत ज़्यादा शेवले मिलन चाहे तो हल्की हल्की धूप लागन से जहाँ वहाँ एक हम धर दे और फिर एक रोज हर 4-5 दिन में एक पैन चेंज करते रहो और करीब करीब 15 से 20 दिन में ये बेटी जड़ निकल आल। तो आप अगले कार्रवाई के भले मैं तुम के फिर अगले बार आप बताओ अगले का कि ये मैं जैसे 15-20 दिन बाद फिर जब जड़ निकाल फिर मैं तुमको दिखाऊँ कि आप अगल की में के कारण यो हमारे करीब करीब 15 दिन हो गई है और 15 दिन बाद यो जो यो इमें जाड़ निकल गई यो देखा फिर आराम अले मैं निकाल भाई इन देखा इन जाड़ से इन जाड़ निकल गई ठीक से ना यो। और यो की वाला छे यो यह क्या हमारे करीब करीब है गई यज्ञ बहन है गो एक ठीक है। बरसात तक मौसम में जो से हैं 15 दिन में आ जानी लेकिन सर्दियों में इनमें यज्ञ बहन करीब करीब लागस यज्ञ बहन बटी 1.5 बहन करीब लागे हमें। तो अब एक हम क्या करूँ बहुत आराम में निकाल यज्ञ बहन हो गया हम पली लगाऊ ठीक है ना बहुत आराम में ले निकाल है। और यह हम माट तैयार करेगी माट ये में जो से अगर तुम कंपोस्ट वाव माट यूज कर ला ज्यादा बढ़िया हो ठीक है ना। यह हम जो है बिल्कुल माट तैयार करेगी है कंपोस्ट वाव और ये में खाद गोबर खाद से गोबर कंपोस्ट बनाएगा और मैंने इनमें फूल पौध वगैरह और हमारे घर बटी जो कूड़ा निकावा हमारे घर बटी जो कूड़ा निकावा कभी साग कभी
फ्रूट्स वगैरह जो है वीक कूड़ा निकाओ, वीक कूड़ा जो हम इकट्ठा करवे वीक कंपोस्ट बना देना, ठीक है ना। तो यह अभी और अभी कहीं इसी हम आराम मेले में रख दो और एक महीने बटे फिर एक मटा लिशी ढक दो। जड़ या टूटन न चाहिए ध्यान रखन भाई, ठीक है ना। जड़ या न टूटन चाहिए तो आराम से मैं आप माट के दो साइड साइड में ठीक। तो यह हमार अनानास जो यह इसी लाग जाले, फिर एक हम अल्लाह हम एक ये में लगना रहा पॉलिथीन में, और क्योंकि हम लोग फिर खेत में ट्रांसफर करन से खेत में हम अल्लाह एक ट्रांसफर न करना रहा, क्योंकि थोड़ा सा एक है एक आध भी बहन जिन्हें एक ये में फुल होने देना, थोड़ा सा जड़ या पक्का आ जा तो ये में फिर सही रहा। आराम में लेकर जैसे जाड़ नुटन से और ये में ना पैन खिट दे लिया मशीन, ठीक है ना। बीच बीच में ये में आवश्यकता अनुसार मशीन और फूल पौधों में पैन खिंचा उस नियम में पैन खिंचते रहो, ठीक है ना। अब करीब करीब ये कह द्वी बहन बाद लगोना द्वी बहन बाद जो से यह देखा यो यूट्यूब बढ़िया है गो और यह बिल्कुल होता है बढ़िया भाई यह लाग गो। अब ये हम खेत में ट्रांसफर कर दे, ठीक से ना। एक देखा यह क्या लगे है गो ये के करीब करीब तीन बहन है गई यो यो ला बिल्कुल तैयार से खेत में लगोन हन, एक तीन बहन हो गई अनानास के। यह हमूल यह गमले में लगाया गया देखा यह अनानास तो यकें है गई करीब करीब चार भैन, तो चार भैन में ये मैं देखा इन ऑन पड़ गई ये देखा यहाँ बटी लगा आ गई द्वी आ गई इन द्वी मल्लिक हैं जब काल जा आ गई देखा यो तब ये बटी फिर बाद में अनानास लगा ले मैं, ठीक है ना। यो देखा यो तो आप लोग ले इसमें जो है हमारे घरों के अनानास लगावा और फिर उन्होंने अनानास लगा क्योंकि खानन ले सही हो और बेच ले शख्सा अगर ज़्यादा लगा ला और बहुत बढ़िया एक बहुत बढ़िया बेचाए बाज़ार में। और अगर ऑर्गेनिक अनानास बिल्कुल बिना पेस्टिसाइड वाओ बिना दवाई वाओ जो केमिकल वाओ दवाई हैं वी वाओ या फिर बिना खाद वाओ जो बाजारे खाद मिले मशीन यूरिया वगैरह तो स्वाव अगर उगा लात हमारे घर की खाद जैसे गोबर खाद और या कंपोस्ट बनाए अगर तुम भी में उगा लात तो बहुत बढ़िया मार्केट में एक रेट मिला। तो आप लोग ले कहीं उगावा अपन घरों में उगावा खाना उगावा अपन और बेचहन ले उगावा तो एक पैस कमावा और हमारे पहाड़ों बटी पलायन रोका वहाँ बटी जैसे लोगों को रोजगार मिलल और इनमें खूब बढ़िया पैस कमा सकल। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी रहा जाग रहा भाला रहा। और अगल तमूल हमार गलनी कुमावनी टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर है तो इसे सब्सक्राइब करा लाइक करा और अलग अलग दूर जिन्हें अपन रिश्तेदारों के यारों दोस्तों के शेयर करा ताकि यो इन्फॉर्मेशन सब पूजो और सब लोग एक फायदा उठा सका। और आप लोग हमार पहाड़ों बटी जैसे पलायन रोकन में मेरा सहयोग करला तो यह जो मुहिम में लिया छेड़ है कि पहाड़ों बटी पलायन रोकन से और वहाँ रोजगार ज़्यादा ज़्यादा तरीका हम उल अपनौन से और वहाँ रोजगार ज़्यादा ज़्यादा हम उल उत्पन्न करन से तो आप लोग ले मेरी सहायता करा और खूब अगल का एक वीडियो में बढ़ावा और जरूर तुमको यह वीडियो कष्ट लगे जरूर बताया और ये मैं कई और चीज़ ले तुम शिकन चाचा बताया हम तुमको बताऊँ। और अगर तुम पर्सनली ले फ़ोन में ले बात कर सकता मिल ले सकता मैसेज तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मैं तुमको डिटेल दे दियो तो तुम जो है ये खेती करा
और खूब पैंच कमावा और पहाड़ बड़ी पलायन रोका। धन्यवाद पहलाग।